फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपका सपोर्ट और लव देने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो पे। आज हम अनवे शिपमेंट कंटिटू मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। इस मूवी को डार्विन कोरिक्वेसी ने बनाया है। इस मूवी में टोविनो थॉमस एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर निभा रहे हैं। इस मूवी में आपको दो केस देखने मिलेंगे, एक पास्ट का जहाँ पे मिसिंग गर्ल का केस है, यहाँ पे टोविनो थॉमस फुल इन्वेस्टिगेशन करते हुए भी उनको सस्पेंड किया जाता है। फिर उन्हें सेकंड केस मिलता है जहाँ पे एक मर्डर केस है 6 साल पहले का, लेकिन एक कंडीशन पे दिया जाता है, अगर उन्होंने केस रिजॉल्व किया तो उनको उनकी जॉब मिल जाएगी, या फिर अगर नहीं भी कर पाए तो भी ओपन एंड शट केस है। क्या वो कर पाएंगे या नहीं, इसलिए आपको ये मूवी देखते हुए। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मलयालम हिंदी लैंग्वेज में आसानी से मिल जाएंगे। ये लगभग 2 घंटा 30 मिनट की मूवी है। अगर मूवी की एक्टिंग की बात करें तो मुझे टोविनो थॉमस की एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगती। और पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगा मेरे सेकंड जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी लगती, कि हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मूवी में हम कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें और लास्ट में कुछ अनप्रेडिक्टेबल निकले, तो यही वो मूवी करती है। तो लास्ट में आपके चेहरे पे खुशी लेके आती है कि हाँ भाई जो प्रोजेक्ट जो प्रेडिक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। इसलिए मैं टोविनो थॉमस का जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है इसके लिए मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग ऑलरेडी ने देखा है 2018 मूवी में, मिंगल मुरली मूवी में, तो उनका काम तो वैसे अच्छा ही रहता है, तो उनका सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपने भी ये मूवी देखी तो मुझे बताओ आपको कौन सा केस अच्छा लगा, फर्स्ट वाला केस या सेकेंड वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराइए।